Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So this is again a very interesting video, very important for you from the exam point of view. Title आपने पढ़ लिया होगा कि what is the history and legend of the Amarnath Yatra? क्यों होती है अमरनाथ यात्रा और कैसे इसका एडवेंट हुआ, किस तरह से ये स्टार्ट हुई, कहाँ से मिली और इसका जियोग्राफी के साथ क्या रिलेशन है, what is the relationship with geography? वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में देखेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. और ये है द एग्जाम्स मेड सिंपल की जो स्पेशल सीरीज हमने स्टार्ट की है. हर दिन हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं आप लोगों से जो न्यूज़ में रहा हो, और ये इंडियन एक्सप्रेस से मैं उठाया है मैंने, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बने रहिए. अगर कंटेंट पसंद आए तो डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल, है ना. और भगवान की बात है, मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूँगा कि आप शेयर करें, लेकिन अगर कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अमरनाथ यात्रा का क्या रेलिवेंस है. आप सबको पता है कि जब भी मई जून का टाइम आता है तो ये अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होती है. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें पहलगाम से बालताल बेस्ड कैंप तक ये सेट ऑफ होते हैं, जो पिलग्रिम्स हैं जो जाते हैं वहाँ पे, दे सेट ऑफ फ्रॉम द पहलगाम एंड बालताल बेस्ड कैंप्स, और वहाँ से फिर यात्रा शुरू होती है. लगभग 43 दिनों तक ये यात्रा चलती है, है ना. हर साल चेंज होते रहते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 40-43 डेज तक यात्रा चलती है. अब ये जो यात्रा है, इट इज़ हैपनिंग टू द केव श्राइन ऑफ लॉर्ड शिवा. याद रखिएगा, शिव जी की यात्रा के लिए बोलते हैं इसको. लॉर्ड जो अमरनाथ है वो लॉर्ड शिवा है, एंड यात्रा जो होती है वो केव श्राइन तक होती है लॉर्ड शिवा के, एंड इट इज़ हाई अप इन द हिमालयाज ऑफ साउथ कश्मीर. याद रखिएगा, इट इज़ हाई अप इन द हिमालयाज ऑफ साउथ कश्मीर, एंड इट इज़ अमंग कंट्रीज मोस्ट रिवर्ड पिलग्रिमेज ऑल्सो. तो साउथ कश्मीर के हिमालयाज पार्ट में ही आता है. तो ये आपको थोड़ा सा मैप में भी मैं दिखा दूं. अगर दो मैंने रूट्स आपको बताए हैं अमरनाथ यात्रा के, तो एक मैंने आपको बताया है पहलगाम से. तो अगर आप ये देखें, ये पहलगाम है. पहलगाम से आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, यहाँ पे आपको पहले मिलेगा पंचतारणी मंदिर, पंचतारणी मिलेगा. उसके ऊपर आपको श्री अमरनाथ केव टेम्पल मिलेगा. और दूसरा मैंने आपको रूट बताया था बालताल बेस कैंप से. अगर आपको याद हो तो बालताल बताया, तो ये बालताल है. बालताल से आपको नीचे आना पड़ेगा. तो कुछ इस तरीके की लोकेशन है जो कि अमरनाथ की लोकेशन है. तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिए, अपने जहन में एटलीस्ट बैठा के रखिए, तो आपको थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा अच्छा रहेगा कुछ क्वेश्चन अगर कल को आता है बालताल या पहलगाम से रिलेटेड. तो अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की. जैसा मैंने आपको बताया, साउथ कश्मीर के पार्ट में है हिमालयाज, जो साउथ कश्मीर में है वहाँ पर है, और लगभग 3,888 यानी कि 3,888 मीटर अबव द सी लेवल है ये, एंड इट कैन बी रीच्ड ओनली ऑन फूट और बाय पोनी. तो वहाँ पे पोनी चलते हैं वहाँ से, या फिर ऑन फूट आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं. तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड लगभग 46 किलोमीटर पहलगाम से ट्रेवल करना पड़ता है, एंड बालताल से अगर आप करेंगे तो लगभग 16 किलोमीटर फ्रॉम बालताल पॉइंट बेस कैंप. तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट यात्रा है. और अभी 2019 के बाद, जब आपका कोविड का स्ट्रॉन्ग टाइम चल रहा था, उसके बाद इसको 2 साल के बाद दोबारा कंटिन्यू किया गया है, और कई सालों के बाद 2019 में ये बंद हुई थी बिकॉज ऑफ द कोविड. तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में था. अब अगर मैं इसकी स्टोरी आपको थोड़ा सा बताऊं, तो काफी इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है. देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अराउंड दिस. अगर आप लेजेंड माने तो लॉर्ड शिवा डिसाइडेड टू टेल पार्वती द अमर कथा. लॉर्ड शिवा ने डिसाइड किया था कि वो पार्वती जी को, पार्वती माँ को अमर कथा सुनाएंगे. देन ही चोज दिस अमरनाथ केव. इसीलिए अमर कथा कहने वाले स्थान को अमरनाथ कहा गया, क्योंकि यहाँ पे अमर कथा कही गई थी लॉर्ड शिवा के द्वारा पार्वती जी को, ठीक है ना. ये जो केव है, ऐसा माना जाता है कि 1850 में इसको एक मुस्लिम शेफर्ड जिसका नाम बूटा मलिक था, याद रखिएगा बूटा मलिक मुस्लिम शेफर्ड था, 1850 में उसने इसको ढूंढा था. वाइल ग्रेजिंग हिज हर्ड इन द माउंटेन्स एंड ही केम अक्रॉस अ सूफी सेंट हु गेव हिम अ बैग फुल ऑफ कोल. तो उस जो सूफी सेंट ने उसको बैग फुल ऑफ कोल दिया था, और जब मलिक अपने घर पहुंचा तो उसने, जब वो बूटा मलिक ने खोला तो उसमें गोल्ड ही गोल्ड पड़ा था. वो दोबारा पहाड़ों पर पहुंचा, दोबारा माउंटेन से पहुंचा, और वहां पे उसको जो सूफी सेंट जिसने दिया था वो उसको नहीं ढूंढ पाया. लेकिन उसकी जगह उन्होंने क्या देखा कि ही फाउंड दैट इंस्टेड ऑफ दैट देयर वाज अ केव एंड दिस फेमस आइस लिंगम. लिंग आपको पता है लॉर्ड शिवा का एक जो पोट्रे है, लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करते हैं लिंग से हम, एंड उसी को लॉर्ड शिवा माना गया. द लिंग इज फॉर्म्ड बाय अ ट्रिकल ऑफ वाटर फ्रॉम द क्लेफ्ट इन द
रूफ ऑफ द केव. अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जियोग्राफी से बता रहा हूं मैं, ये जियोग्राफिकल फैक्ट है, इसको याद रखिएगा. जैसे ऊपर आपको पता होगा इस तरीके से जो क्लिफ है वहां से सीलिंग है, वहां से ऐसे पानी की ड्रॉप गिरती है और ये ग्राउंड होगा. अब ग्राउंड में जब ये पानी की ड्रॉप गिरेंगे धीरे धीरे पानी जमा होगा और ये बर्फ जब बनेगा तो इस तरीके से एक लिंग क्रिएट होता है. और जो लिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्टैलेगमाइट बोलते हैं. अब अगर मैं आपको इसको जियोग्राफिकल कंसेप्ट से जोड़ूं तो आपको पता होगा कि लाइमस्टोन की जब हम टोपोग्राफी पढ़ते हैं, व्हेन यू स्टडी द टोपोग्राफी ऑफ लाइमस्टोन, आपने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी होती है वहां पे. एक होता है आपका स्टैलेक, एक सेकंड थोड़ा सा उसको मैं पतला कर दूं, या एक होता है आपका स्टैलेक्टाइट, स्टैलेक्टाइट होता है, और दूसरा आपका होता है स्टैलेगमाइट, स्टैलेगमाइट है ना. अब यहां पे आपको पता होगा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सी एन एस, सी से सीलिंग याद रखना. तो जो चीज ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से जमती है, जो चीज ऊपर से नीचे की तरफ, वहां पे हम लाइमस्टोन की बात करते हैं, यहां हम आइस की बात कर रहे हैं. पर जो चीज सीलिंग से यानी कि ऊपर से नीचे जुड़ती है वो स्टैलेक्टाइट कहलाती है, और जो चीज नीचे से ऊपर यानी ग्राउंड से ऊपर जाती है वो स्टैलेगमाइट कहलाती है. तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं. तो ये जो लिंगा है, ये लिंग चूंकि ग्राउंड से ऊपर उठता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम स्टैलेगमाइट बोलते हैं. और दिस लिंगम गेट्स इट्स फुल शेप इन मे एवरी ईयर, एंड इसके बाद ये धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होता है. एंड ऊपर जो लेफ्ट है लिंगम के, वहाँ पे दो स्मॉल आपको स्टैलेगमाइट और दिखेंगे, और वो रिप्रेजेंट करते हैं पार्वती माँ को और लॉर्ड गणेश को. तो ये माना जाता है, ये पूरी कथा है इसकी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑल्सो. और जो स्टार्टिंग में थे तो जो बूटा मलिक की फैमिली थी, इट वॉज द ट्रेडिशनल कस्टोडियन ऑफ द श्राइन अलॉन्ग विद हिंदू प्रीस्ट्स और एज वेल, जो कि दशनामी अखाड़ा और पुरोहित सभा मट्टन से आए थे, उनके साथ मिलकर के बूटा मलिक की फैमिली भी कस्टोडियन थी लॉर्ड शिवा के मंदिर की. इसलिए ये जो लॉर्ड शिवा का जो अमरनाथ यात्रा है, अपने आप में इट्स अ सिम्बल ऑफ कम्युनल हारमोनी एंड कम्पोजिट कल्चर, इट्स अ सिम्बल ऑफ कम्युनल हारमोनी एंड कम्पोजिट कल्चर. तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था. अमरनाथ जी की यात्रा कब से शुरू हुई इसकी एग्जैक्ट डिटेल आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड जो है वो गवर्नर उसका हेड होता है, याद रखिएगा, गवर्नर इज द हेड ऑफ दैट, याद रखना. तो स्टार्टिंग में जब ये बना था, जब पहली बार ये श्राइन बोर्ड बना था, उस समय बूटा मलिक की फैमिली, सब हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नर जो थे वहाँ के, वो हेड बने थे. तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना. और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कम्युनल हारमोनी का सिंबल भी है. इसके ऊपर आपको एक मेन्स क्वेश्चन भी मिल सकता है कि हाउ अमरनाथ यात्रा इज अ सिंबल ऑफ कम्युनल हारमोनी, इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. तो वहाँ पे आपको थोड़े फैक्ट्स लिखने पड़ सकते हैं जो मैंने आपको बताए. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. अच्छा टॉपिक था, इसको सुन लेना. दैट इज इट. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. प्लस साथ ही जिनको हमारा यूपीएससी का करंट अफेयर्स का, यूपीएससी का पूरा कोर्स ज्वाइन करना है, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.